आज मैं आप सबको मिलके बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। मैं देख रहा हूँ 500 लोग अभी नंबर हाईएस्ट पहुंच गया है, तो सभी लोग इतना दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस प्लान देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स का मैसेज सुन रहे हैं। वो सर के बारे में क्या बोलूं दोस्तों, जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ और मैं लखनऊ बताता हूँ, बोलता अच्छा अच्छा बोस जी, मतलब लखनऊ के पर्याय हैं सर अगर देखा जाए एमवे वर्ल्ड में। तो जिस तरह आप सब इतनी अच्छी लीडरशिप के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जस्ट आज मैं आपको बताने आया हूं कि अगर मैं डायमंड जा सकता हूं तो आप सब तो सरतिया डायमंड जा सकते हो, राइट? बस कैसे मैं गया, क्या मेरी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में आज रखूंगा आपके सामने। बट एक चीज मैं बता, कोई भी चीज अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो उसे चेक करने के बाद ही अप्लाई करिएगा दोस्तों। हालांकि ये बहुत कम होगा क्योंकि ब्रिट सिस्टम से हम सभी सीखते हैं, तो सभी लोग वही बात करते हैं। भगवान की कृपा से मुझे ये बिजनेस मिला दोस्तों। मैं रहने वाला गांव का हूं और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उन्हें मेरे ऊपर विश्वास था। मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो कहते नहीं आप कर सकते हो। और उनका नाम है दोस्तों मिस्टर बीडी पांडे एंड संगीता पांडे। अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो शायद आज मेरी जिंदगी में नहीं। कराया राजीव जी और निमेश त्यागी जी ने, और उनको ज्वाइन कराया है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है उनको पूरी इंडिया पसंद करती है। अम्बरीश जी एंड मोनिका जी हमारे डायमंड हैं। और उसके बाद हम लोग जो सभी लोग सीखते हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी, सुमित एंड तानिया बहादुर जी से एक बढ़िया से क्लैपिंग मैं सभी लीडर्स के लिए चाहूंगा, क्योंकि अगर ये नहीं सपना लिए होते तो आज शायद मैं आप सबसे बात नहीं कर पा रहा होता दोस्तों। जैसे मैंने बताया मैं गाँव का रहने वाला हूँ, पिताजी मेरे किसान थे और शुरू से मैं ड्रीमर था। वो सर की एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, मेरी डायरी मैंने नोट किया, कभी मैं पलटता हूँ तो सर की वो लाइन प्लान दिखा रहे थे सर, और सर का स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन किया है कि गरीब वो लोग नहीं होते जिनके पैसे नहीं होते, जिनके पास गरीब वो लोग होते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। शुरू से मेरे पास, जब मैं अर्थ में पढ़ता था तभी मैं उर्दू इसलिए पढ़ता था कि अगर आईएएस नहीं बन पाऊंगा तो एक ऑप्शन प्लान बी जुडिशियरी सर्विसेज के लिए रखूंगा। और दोस्तों साइकिल भी मुझे नहीं मिली, मेरी सीडी में आप सुनोगे या अगर नहीं सुने हैं तो सुनेंगे आप, साइकिल भी मुझे नहीं मिली थी हाई स्कूल तक, और टॉप किया था मैंने। लेकिन वहां मैंने एक लेसन पाया कि कोई जरूरी नहीं कि सारे संसाधन किसी के पास हो, जरूरी तो यह है कि उसके पास जज्बा कितना है, जरूरी तो यह है अपने सपने को साकार करने के लिए कितना व्याकुल, जरूरी तो यह है कि उसके अंदर आग कितना है दोस्तों। टॉप किया, नेशनल स्कॉलरशिप पाया और उसी स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ाई शुरू किया, और इंटर में जाके मुझे साइकिल मिली। और साइकिल जब मिली तो मुझे लगा वो अब तो आज जैसे मुझे हवाई जहाज खरीदूंगा वैसे मुझे साइकिल लगती थी उस जमाने में, और वहां भी मैंने टॉप किया। गॉड की मास्टर प्लान थी, आईएएस बनना चाह रहा था, लेकिन भगवान को तो मुझे डायमंड बनाना था। और आज मैं पहले बीच में मुझे लगा कि मैं आईएएस नहीं बना, भगवान मेरे साथ ऐसा क्या क्या कमी रह गई, लेकिन आज मैं इतना खुश हूं कि आज कितने आईएएस कितने पीसीएस जैसे सभी लोगों के साथ मिलकर मैं बिजनेस बिल्ड करता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ, बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़ी बड़ी उनके जलवे हैं, पावर है, बट मैं खुश हूं कि आज भगवान ने जो मेरे लिए प्लान किया था वो शायद बेटर प्लान किया था दोस्तों। मेरी जर्नी से आज आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर इतना स्ट्रगल करके मैं डायमंड जा सकता हूं तो मेरे जैसा स्ट्रगल शायद किसी के पास होगा। और जब मैं आया अपने जौनपुर शहर में पढ़ने तो वहां मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 100 रुपए मिलता था मुझे। ये बात मैं 87 की आप को बता रहा हूँ, 87 में 100 रुपए मुझे मिलता था ट्यूशन पढ़ाने का, और मुझे 12 किलोमीटर वहां भी पैदल जाना पड़ता था। साइकिल चूंकि घर पे एक ही थी तो घर पे छोड़ के फिर मैं शहर आया था, अपने गांव का रहने वाला हूँ तो शहर आया, वहां भी पैदल जाता था। 187 रुपए की सेकेंड हैंड की साइकिल मेरे दोस्त ने मुझे दिलाई, और फिर शकून से जाने लगे और कैसे कैसे स्कॉलरशिप के पैसे। हाँ, घर की चिंता मैं बहुत करता था कि सभी लोग घर पे हैं, कोई इनकम नहीं है, पिताजी के बनियान की वो होल मुझे हमेशा याद आती थी। कभी कभी कुछ लोग अपने पिताजी माताजी या जिम्मेदारी लोगों की जो होती है वो पता नहीं भूल जाते हैं, उनकी तकलीफों को भूल जाते हैं। आज मैं डायमंड हाउस के पीछे एक वजह थी, मैं वो होल याद रहता था मुझे, पिताजी इतनी मेहनत करते हैं कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। पिताजी एक चीज और कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ोगे ना तो मैं खेत बेच के पढ़ाऊंगा। मुझे लगता था पिताजी जिस जमीन पे जाके माथा टेकते हैं, सुबह सुबह काम करना शुरू करते थे, तो मुझे लगा वो बेचेंगे अच्छा नहीं, इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ, तो मैं बता रहा था होल, मेरा मानना है कि 18 साल से 40 साल के अंदर अगर किसी की एज है और उसके घर फाइनेंशियल कोई चैलेंज है तो उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। कभी कभी 30 साल शादी के हो जाते हैं और
वो बेड अगर रहता तो वो कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने यही बेड दिया था, 30 साल हो गए तो आपने बेड नहीं खरीदा, और पत्नी से बोलते तुम्हारे पिताजी ने यही बेड दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। पढ़ना शुरू किया दोस्तों, वहां भी टॉप सब चीजें, लेकिन पढ़ते समय फिर मुझे लगा पैसा बनाना चाहिए, मैंने दुकान खोली और 87 में ही दुकान मैंने डाल दिया था। 4100 रुपए से मैंने किताब की दुकान खोली, यूपी का जाना माना टीडी कॉलेज है, उसी गेट पे मैंने दुकान खोली और दुकान खूब चलने लगी। और मैं इलाहाबाद में कमरा ले चुका था तैयारी करने के लिए, फिर मेरा बड़ा बेटा पैदा हो गया और उसी समय मुझे लगा, शादी मेरी हो गई, उषा भी मेरे साथ, और मुझे लगा अपने बेटे के लिए मैं तैयारी करूंगा, बड़ी तपस्या होगी। फिर मैं बिजनेस में उतर गया और कपड़े की दुकान खोली, बहुत पैसा बनाया, 24 साल में मकान, सब चीजें, गाड़ी, 4 व्हीलर, सब कुछ, मकान, सारी चीजें। लेकिन मेरे सामने एक घटना घटी, मेरी जस्ट दुकान के सामने एक व्यक्ति को, ये बात मैं बता रहा हूं आपसे 2000 के बाद की बात है, उन्हें कैंसर हो गया और फिर वो 6 महीने के अंदर दुनिया में नहीं रहे, और ये देख के मैं डर गया और मुझे लगा कि अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही फिर आई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात। शुरू से बचपन से मुझे लगता था मैं अगर पढ़ता हूं तो अच्छा स्टूडेंट हूं क्या, अगर मैं एक बेटा हूं तो अच्छा बेटा हूं क्या, हमेशा जिम्मेदारी। तो उस समय जब शादी हो गई और एक बेटा पैदा हो गया तो मुझे लगा क्या मैं अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी कुछ बनाया हूं। वो सर की ये लाइन बहुत हमेशा हमारे दिमाग में रहती है कि अगर पैसा बनाने का एक ही जरिया है तो इसका मतलब आदमी बिल्कुल सिक्योर नहीं है। लेकिन ये बात पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में पहले से भी थी कि पैसा तो मैं, वो तो खैर जाहिर सी बात है पैसा बनाने वाला मैं ही था, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। फिर मेरे दिमाग में वो चलना शुरू हो गया कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। और एक बात बताऊं दोस्तों, प्रेयर में बहुत दम होता है, मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करता था कि भगवान मुझे कुछ चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती थी मैं झटक देता था। एक बार जबरदस्ती दिया गया तो किट कबाड़ी को बेच दिया, दोबारा फिर कैसे कैसे लोगों ने, मुंबई गया जॉब, मेरा बिजनेस खराब हो गया तो मुंबई चला गया मैं। और मुंबई जॉब करते समय मुझे लगता था कि मैं 30 दिन जॉब करता हूं सैलरी मिल जाएगी, इसके बाद तो नहीं मिलेगी अगर मुझे कुछ हो गया, वहां पे मैं सिक्योरिटी। फिर तीसरी बार जब मुझे लग गया सारे दरवाजे खटखटाने के बाद कि अगर सिक्योरिटी चाहिए तो किसी व्यक्ति को एक इनकम का जरिया और चाहिए, साथ ही साथ मैंने देखा क्या कर सकते हैं, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया। एक ही चीज समझ में आई बहुत सारी किताबें सब पढ़ने के बाद, एक ही बिजनेस है दुनिया का और उसका नाम है एमवे बिजनेस। तो मुझे पता चला, नए लोगों मैं आपको बता दूं जो पहली बार इस बिजनेस को सुन रहे हैं, 33 साल हो गया पैसा बनाने का मेरा एक्सपीरियंस, अगर एमवे को मैं जोड़ लूं 33 ईयर्स, ट्रेडिशनल बिजनेस कमाल का किया, जॉब भी HSBC में सीनियर मैनेजर सब कुछ, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे मुझे कहीं नहीं मिला, कुछ दिखा ही नहीं। और फिर मैंने देखा कि यही करूंगा और इसी में मेरा फ्यूचर है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं लोगों के कि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि आप शायद अभी अगर कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी का हिंदी ट्रांसलेशन एक ये है सरल भाषा में कि जो आपने कहा वो मैं समझा नहीं। अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो कहता है जो आपने कहा मैंने समझा नहीं। अगर कोई कहता है कि मेरे पास लोग नहीं है तो मुझे लगता है वो कहते हैं कि जो आपने कहा मैं समझा नहीं। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी मेरी स्टोरी के बाद आपको सब क्लियर भी हो जाएगा कि ये बिजनेस पैसे से नहीं चलता, ये बिजनेस लोगों से भी, अगर मैं बोलूं तो लोग तो आ ही जाते हैं। आपके पास लोग हैं कि नहीं, मीन्स लोगों से भी नहीं। आप ना, मेरे पास टाइम था क्योंकि मैं नौकरी करता था और 5,000 की नौकरी करता तो उसमें भी इतना खटाते थे कि मैं टाइम उसमें भी कहीं बहराई जा रहा हूं, कहीं यहाँ डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में 5,000 की नौकरी करता था मैं, किसी तरह घर का खर्चा चला, मतलब यहाँ रहने के लिए। और करना शुरू किया जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि लोगों से नहीं, मेरे पास तो जब कोई लोग ही नहीं थे तो कैसे लोग आए होंगे, क्या हुआ होगा। अगर किसी को लगता है कि लोग नहीं है तो कैसे होगा, टाइम नहीं है तो कैसे होगा, उसी चीज को अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे पास, तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं लोगों से संबंध बनाऊं, तो कैसे मैं कांटेक्ट बनाता था, कैसे लोगों के साथ काम करता था, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास चूंकि लोग तो थे नहीं, चारबाग के अलावा और बस स्टेशन के अलावा, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं क्या करता था, रेलवे में टिकट
काउंटर पे रिजर्वेशन टिकट काउंटर पे चला जाता था और वहां टिकट लेने के लिए वो फॉर्म भर के रिजर्वेशन वाला वहां जाते थे, तो जब कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती थी तो मैं कोई ना कोई बहाना करके फिर वहां से निकल लेता था कि नहीं भाई अब अच्छा अच्छा ठीक है मुझे तो देर हो रहा है, तो वहां से मैंने कॉन्टैक्ट बनाना शुरू किया। बैंक में लाइन लगाता था, पैसा पहले लाइन लगती थी बैंक में, फिर वहां भी मैं पीछे वाले व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग कर लेता था, अनुराग अग्रवाल नाम है मेरे बिजनेस में आए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर भूख है तो सब हो जाता है। कई बार अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे, किसी तरह कटता था, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ दोस्तों कि मेरे जेब में 100 रुपए की नोट भी, मेरे खान भाई करके दोस्त हैं शारिक हुसैन खान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पता नहीं कैसे उनको पता था कि श्याम आज तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है, ये 100 रुपए अपने जेब में रख लो। अभी मैं उनको नए साल में विश कर रहा था तो हंसी में पूछा कि खान भाई आपको कैसे पता था कि मेरे जेब में एक पैसा नहीं है, तो थोड़ा शर्माने लगे, बोले छोड़ो छोड़ो तुम इसकी बात मत करो। अब अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं इसलिए एमवे नहीं करूंगा, अब इससे ज्यादा क्या होगा दोस्तों। जितने भी लोग मुझे लगभग 1000 लोग सुन रहे हैं, अगर एक कनेक्शन पे मैं 2 लोगों को काउंट करूं, तो किसी के पास भी ये चैलेंज नहीं होगा। तो किया कैसे, सपना था, भूख था, वो जिम्मेदारी थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं बिना सिक्योरिटी दिलाए। वो जिम्मेदारी वाली बात बचपन से मेरे अंदर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एमबे में आया तो मुझे लगा कि अब अगर मैं एक राइट एग्जाम्पल नहीं पेश करूंगा अपने टीम के सामने तो मैं टीम को क्या जवाब दूंगा। अक्सर मैं सोचा करता था और आज भी सोचता हूं, आज तो खैर एक लेवल पे हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है, डायमंड लेवल बहुत बड़ा लेवल होता है, यहां जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्लैटिनम एंड रेबो सारे लीडर से हमने सीखा है। मेरा मन कह रहा है कि मैं सबका नाम, एक एक लोगों का नाम लेके वो चर्चा करूं, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम का भी लिमिट है और आज संडे है तो बहुत सारे काम भी करने हैं हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्लान भी दिखाना है, टाइम नहीं। दूसरे मुझे लग रहा है कि भूल से किसी का नाम भूल ना जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सभी लोगों से मैंने सीखा है, कितने मैं ऐसे बोलूं कि अगर आप सब भी नहीं होते तो मैं आज शायद यहां नहीं होता। मेरे अपलाइन चूंकि बनारस में रहते हैं तो बिना आप लोगों के सपोर्ट से यहां लखनऊ लीडरशिप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही सपोर्ट किया दोस्तों। हाँ, तो मैं बता रहा था कि पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो 5000 रुपए जवाहर भवन में 3rd फ्लोर पे मिस्टर पुनिया जी हैं, माइनर इरिगेशन में स्टोनो हैं वो, पता नहीं क्या उन्होंने मेरे अंदर लगन देखी और उन्होंने कहा श्याम ये 5000 रुपए तू ले यार, और तू बिजनेस के बिना जी नहीं पाएगा, तू बिजनेस कर, मेरी तरफ से ये सपोर्ट है। कौन ऐसा आदमी होगा जो मेरी बात सुन रहे हैं जिनके पास 5000 रुपए भी नहीं होंगे। कभी कभी लोग जब मेरे से बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, अब मैं आपको बताता हूं इस 5000 रुपए का कमाल क्या है। 5000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर अगर श्याम उपाध्याय आज एक साल में लखनऊ के अंदर फर्स्ट क्लास एरिया में फर्स्ट क्लास 4 BHK फ्लैट खरीदता है, फर्स्ट क्लास की कार खरीदता है, एक साल में बेटी की शादी करता है, 3-3 जगह रिसेप्शन करता है, अगर मैं रफली जोड़ू तो ये सारा कुछ 1.5 करोड़ एक साल के अंदर। दोस्तों ये 5000 रुपए एक एसेट की तरह हमारे साथ काम किया, 5000 रुपए का ये सब कुछ बता रहा हूं। मेरे पास तो कुछ था नहीं, वो जेब में डाला हुआ 5000 रुपए। कैसे लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे, अगर कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे तो मेरे यही समझ में आता है कि वो अभी समझे ही नहीं बिजनेस। अरे मैं कह रहा हूं हजरतगंज की जमीन और हमारे गांव की जमीन दोनों ऐसे कैसे सेम कैसे हो सकती है, हजरतगंज की जमीन की अपॉर्चुनिटी है उसमें, तो मार्केट के प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट से कोई तुलना होनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे लोग कंपैरिजन, तो मुझे लगता है कि वही फिर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब, वो बोल रहे हैं प्रोडक्ट महंगे। और बोस सर की एक लाइन और मुझे समझ में आती है, सर ने तो एक एक चीजें बोला, वही बोल बोल के सर का फोटो दिखा दिखा के हम लोग कितनी ज्वाइनिंग कराते हैं आज भी वही सब। बोस सर कहते हैं कि अगर एक टैबलेट, आप लोग सुनते होंगे लेकिन मेरे मन में वो बात तुरंत आ जा रही है सर का सिखाया हुआ, एक टैबलेट की कीमत अगर 10000 रुपए तो बड़ी महंगी है, लेकिन उस टैबलेट के पीछे अगर लिखा है इससे कैंसर ठीक होता है तो सस्ती है कि महंगी, इससे सस्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती। दोस्तों मैं ये उन लोगों के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश करता हूं, आप सब तो लीडर हो बहुत अच्छे अच्छे आपको क्या मैं बताऊंगा, कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, इस प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बताता हूं, घड़ी का प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, घड़ी का प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा,
और दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट, 180 से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आधार कार्ड, अकाउंट प्रूफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर देना पड़ेगा। सोच के देखिए अपॉर्चुनिटी को कैसे देखोगे दोस्त, कैसे सोच भी नहीं सकते। घड़ी का प्रचार अमिताभ बच्चन जी करते हैं और कहते हैं, घड़ी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बात आ गई ध्यान पे इसलिए बता रहा हूं, यसेट का प्रचार करने को आपको पावर है और धरती का इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो शायद ही बना ही नहीं होगा। बना एमवे है तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो दुनिया जानती है, हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर तो जानते ही जानते हैं। तो कभी कभी हम इस पावर को नहीं समझते और पावर को, आप दूसरा पावर देखिए, आप प्रचार कर सकते हैं। अब आप मार्केट का कोई भी एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट क्या कभी फ्री हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रोडक्ट फ्री हो सकता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट फ्री हो सकता है और एज एसेट काम कर सकता है। जैसे मैंने अपने बारे में अभी बताया कि 5000 के प्रोडक्ट ने क्या क्या किया, एक साल के अभी तो बताया हूं, अब आप सोचो और कितना सारी चीजें, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आपको जिन्होंने बुलाया होगा पूछेगा कि डायमंड क्या होते हैं और श्याम उपाध्याय और आपके अपलाइंट क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि लोग नहीं, तो मैं बता रहा था ट्यूशन पढ़ाना और कैसे कैसे चीजें करके जब यहां आया, तो जब मैं काउंटर पे खड़े होता था कैसे लोग, चूंकि मुझे लोग चाहिए थे, मुझे जिम्मेदारी हमेशा याद रहती थी कि सिक्योरिटी का क्या होगा, तो कई बार सिक्योरिटी प्लान में बताते बताते लोगों को लगता उनको सिक्योरिटी मिल गई है। अगर कोई सिक्योरिटी के लिए आता है इस बिजनेस में तो मुझे तो लगता है सिक्योरिटी की कब जरूरत पड़ेगी किसको पता है। इसलिए मैंने अर्जेंसी क्रिएट किया अपनी जिंदगी में, कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाएगी। दोस्तों हम जानते हैं, आप भी अभी अपने बारे में सोचिए, आपको पता है, मैं अपना बात करूं तो मुझे पता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं लेकिन टाइम कितना है। इसलिए अर्जेंसी तो होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अर्जेंसी तो होनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं टाइम कितना हमारे पास। तो दोस्तों मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लोगों के पास भूख होगी ना तो आलस नहीं होगा। एक बार कलाम साहब से किसी ने, एक 4 साल की बच्ची ने पूछा कि आप इतने महान कैसे बने, हाउ डिड यू बिकम सो ग्रेट। कलाम साहब पूछते हैं किस क्लास में पढ़ते हो बेटा, तो बोली 4th क्लास में पढ़ते हैं। तो कलाम साहब ने जो बोला था वो हमारे सभी लीडर्स भी बोलते रहते हैं, सभी बताते रहते हैं। कलाम साहब ने कहा बेटा मेरे पास एक मजबूत सपना था इसलिए मैं इतना महान बना। सपने की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन अब एक चीज मुझे बताइए, क्या हम अपने सपनों को इमोशनली जो सपना हमारा उसे सामने रख के हम काम करते हैं। अभी दुबई की ट्रिप पे था मैं, एक बड़ी लीडरशिप ने मेरे से सवाल किया, श्याम आप कैसे कर जाते हो, कैसे इतना कैसे करते हो आप मुझे बताओ। उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, उनसे बहुत सीखता हूं मैं, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी, सर मैं आपको क्या बताऊंगा, आप इसे सीख सीख के तो यहां तक आया हूं, अपने अपलाइन से सीख सीख के। बोले नहीं, एकदम पीछे पड़ गए। मैंने जो बोला था वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा सर आपके पास वो सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं तड़पता हूं, तो आप तो इतने बड़े हैं मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन सपना एक मजबूत होना चाहिए और वो सपना होना चाहिए इमोशनल। इमोशनल सपने में बड़ी पावर होती है दोस्तों। मैं क्यों डायमंड बन पाया, क्योंकि मेरे पास इमोशनल सपना था, 2 बेटे उषा, कैसे उनको मैं सिक्योरिटी दे पाऊंगा। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि आप यूएसए की वो स्टोरी आपको पता होगी, 2 साल के जुड़े हुए बच्चे ने खेलते खेलते रैक, उनके पास 60 किलो का रैक उनके ऊपर आ गया, एक बच्चे का थोड़ा सा सिर बाहर था, कैसे अपने आप को निकालता हो, फिर जुड़े हुए बच्चे को निकाल, जुड़े हुए भाई को निकालता है 60 किलो। इमोशनल ड्रीम में कितना पावर है कि अब आप कुछ उसमें कितनी आप कुछ भी कर सकते हो अगर इमोशनल ड्रीम है। अब सवाल ये है कि वो सपना हमारा क्या है, वो इमोशनल सपना हमारा क्या है, क्या उसे हम बार बार लिखते हैं, क्या उसके लिए हम प्रे करते हैं, क्या उसके लिए गॉड से कनेक्शन में रहते हैं कि परमात्मा मुझे चाहिए। मेरा हमेशा ये विश्वास है दोस्तों कि ये जो सीसीटीवी कैमरा है ना वो तो ठीक है उसमें आते हैं, लेकिन एक जो मास्टर कैमरा है ना वो हमेशा हमें देखता रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। दो लोग भगवान से, एक आदमी कहता है डरता है भगवान से, कुछ गलती गलत काम करने वाले भगवान से डरते हैं, लेकिन सही काम करने वाले भगवान पे भरोसा करते हैं। भगवान आप देख रहे हो ना, भगवान आप देख रहे हो ना। तो दोस्तों मैंने भगवान काम करता था और भगवान को बोलता था भगवान आप देख रहे हैं ना। कभी कभी प्रेयर करते समय मैं रो भी पड़ता था कि भगवान आखिर क्या बात है, ग्रो नहीं कर पा रहा था, स्ट्रेंजर के साथ बिजनेस करना थोड़ा सा क्या थोड़ा टफ होता ही है, मेरे बिजनेस में कोई दोस्त रिश्तेदार आज तक नहीं, दोनों बेटों को तो मैंने ही डाला है तो वो ठीक है, लेकिन मतलब कोई भी नहीं है मेरे बिजनेस में,
तो हमेशा, लेकिन भगवान का जवाब क्या आता था, मैं ऐसे जब बात करता था, बेटा शॉर्टकट कुछ नहीं है, काम करो बेटा, शॉर्टकट कुछ नहीं है, काम करो, यहाँ 5 साल में करोड़पति बनने का तो खुद ही तरीका है, तो अब इसका भी शॉर्टकट क्या होगा, काम करना पड़ेगा, 4 बेसिक फॉलो करना पड़ेगा, लोगों से मिलना होगा, ज्वाइन कराना पड़ेगा। चाय की दुकान पे, आप सभी मेरी स्टोरी जानते हैं, लेकिन नए लोगों को बता दूं, चाय की दुकान पे पहली ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला, बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, मनीष श्रद्धा वैद्य, चाय की दुकान पे, कैसे चाय की दुकान पे गया वो आदमी, फिर चाय की दुकान पे ले जाता है, यहाँ ऑफिस में नहीं सुनूंगा, चाय की दुकान पे चलो आप, गॉड की मास्टर प्लान। लेकिन गॉड की मास्टर प्लान तब काम करेगी जब आप काम करेंगे, घर पे बैठे बैठे गॉड की मास्टर प्लान थोड़ी काम करेगी, जब बाहर निकलेंगे। सुदामा जी जब कृष्ण भगवान के पास जा रहे थे तो सर म्यूट हो गए आप, सर आप म्यूट हो गए। कृष्ण भगवान के पास जब जा रहे थे सुदामा जी, तो रुक्मिणी जी ने कहा कि आप क्यों नहीं बुला लेते भगवान को, सुदामा जी को सीधे क्यों नहीं बुला लेते, इतना भटक रहे हैं, सुदामा आपके दोस्त हैं आप कह रहे हैं, तो फिर क्यों काम करेगा, मास्टर प्लान काम करेगा जब हम अपना काम करेंगे तब। अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो रेस्ट भगवान कर देते हैं अपने आप। अब आप सोच के देखिए, एक गेहूं किसान बोता है जमीन में, तो क्या उसे 10 गेहूं इंसान बनाता है, नेचर बनाता है। अगर हम अपने पैदा होने की बात करें तो क्या हमारे पेरेंट्स, नहीं, एक प्रोसेस है उसका, रेस्ट गॉड बना देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने 4 बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं, क्या वो रोज के काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं हमेशा ये सोचता था मुझे लोग ज्वाइन क्यों करेंगे, मेरे अंदर क्या वो खूबियां हैं। मैं अक्सर अपने आप से पूछता था मेरे अंदर की 5 खूबियां वो कौन सी हैं जिसके नाते लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, ऐसा क्या है, क्या मैं बता सकता हूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं क्या बता सकता हूं कि मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं आपके, क्या मेरी बात करने से उन्हें लगता है कि हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूं, क्या मैंने कुछ प्रूव भी किया है। जैसे कोई लड़की किसी लड़के से शादी क्यों करेगी, उसे तो लगता है ना मेरी जिंदगी ये निर्वाह कर पाएगा, मेरी जिंदगी संभाल पाएगा। तो अगर मुझे कोई चुन रहा है एज ए अपलाइन, तो क्या मेरे अंदर वो खूबी है, मैं उन्हें संभाल, मैं अपने आप से सवाल करता था। आप सब देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पे, आप सब के लिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं हमेशा पूछता था कि क्या मैं 5 खासियत वो कौन सी है जिसके नाते कोई मुझे बोलेगा श्याम जी मैं एमवे तो बहुत बढ़िया बिजनेस में जानता हूं दुनिया का, लेकिन ये बिजनेस मैं आपके साथ करना चाहता हूं, वो खूबियां तो मुझे बताना होगा दोस्तों, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। जब से मैंने ज्वाइन किया, क्या हमने ग्रोथ दिखाया, कितनी पैसे हम क्या बना पाए, इनकम सर्टिफिकेट हमारी 4 महीने की इनकम दिखाऊं मैं और उस आदमी को लगे। मैं आप सबको बोलता हूं, जितने भी नए लोग हमारी बात सुन रहे हैं, अगर कोई 4 महीने का अपनी इनकम बता के दिखा दे कि जनवरी में इनकम, फरवरी में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये, और बता दे कि एक बिजनेस अपने काम के साथ साथ मैंने शुरू किया, इसकी इनकम ये आ रही है, बोलेगा करना क्या होगा यार ये बता, सामने से बोलेगा करना क्या होगा। तो कई बार हम अच्छा है अच्छा है अच्छा है, क्या अच्छा है ये बताने की जरूरत है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों डिवाइन में मुझे मिले और उनको मैं बताना नहीं चाह रहा था बिजनेस, इसमें एक बढ़िया मैसेज है, कभी कभी हम कुछ लोगों को बताना नहीं चाहते, गेस नहीं करना चाहिए। हमारे लीडर्स बताते रहते हैं, सारे सिटी फंक्शन में बताते रहते हैं कि आप सेलेक्ट करके उनको मैं बताने, मैंने कहा ये क्या करेंगे, और जिसको बताना चाह रहे थे बहुत व्याकुल थे बताने के लिए, उसने आज तक ज्वाइन नहीं किया, और जिसको बताना नहीं चाह रहे थे चंद्रशेखर और रश्मि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर प्लेटफॉर्म गए। इसपे बहुत बड़ा, कभी भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, गॉड की क्या प्लानिंग है, हम कैसे तय कर सकते हैं, उनके कंटैक्ट के थ्रू कहां डेप्थ में क्या जाएगा, कहां से बिजनेस आएगा, कहां मेरा आसाम में बिजनेस, मैं तो आसाम कभी गया नहीं, तो डेप्थ के डेप्थ कहां से बिजनेस आएगा। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे रेलवे स्टेशन पे मिला और वो कहते हैं कि मुझे पहचान नहीं रहे आप, आपको कितनी बार मैं ढूंढ रहा हूं और आपके सामने भी टकरा हूं, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे। मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतना परेशान था कि अपने परिचितों को भी पहचाने, सोचिए कितना फोकस था मैं एमवे बिजनेस को लेकर। और चूंकि जौनपुर का रहने वाला, बरुणा टेन में बैठे बैठे उनको प्लान समझा, मेरे साथ आ गए, SBFC में वाइस प्रेसिडेंट है वो, प्लैटिनम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया बिजनेस बना रहे। नेक्स्ट दोस्तों CA के पास गया मैं, और CA ने कहा कि श्याम जी आपका बोनस तो बढ़ता जा रहा है, आप मेरी इनकम नहीं बढ़ा रहे हो। तो मैं मुस्कराया और फिर वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन मिले, डेफ्ट में गया, और कैसे कैसे फिर वहां 5वीं ऑर्गेनाइजेशन, 6वीं ऑर्गेनाइजेशन, 7वीं ऑर्गेनाइजेशन, सब ऐसे ही बनता गया दोस्तों। लेकिन फिर से मैं अपने स्टेटमेंट को दोहराऊंगा, अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो रेस्ट भगवान कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है
क्या हम अपना बेस्ट कर रहे हैं? 24 घंटे में कितना भी कोई बिजी होगा, 10 घंटे जॉब के लिए निकाल दें अभी भी 14 घंटे बचे, 6 घंटे सोने का निकाल दें अभी भी 8 घंटे बचे, 1 घंटे फैमिली के लिए रिजर्व कर लीजिए अभी भी 7 घंटे बचे, 2 घंटे और अलग से कर लीजिए अभी भी 5 घंटे आपके पास बचे। इस 5 घंटे में क्या करते हैं आप, यही ये तय करेगा कि अगले 5 साल बाद कैसी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं आप, छुट्टियां कहां मनाने वाले हैं, बोस सर की तरह छुट्टियां कहां मनाएंगे आप, कहां एंजॉय करेंगे, क्या सिक्योरिटी होगी, ये 5 घंटे तय करेगा। 5 घंटे में प्रोडक्टिविटी क्या है हमारी? मेरा मानना है कि एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर अगर प्लान दिखा रहे हैं तो काम हो रहा है, कॉलिंग कर रहे हैं तो काम हो रहा है। अभी सर कह रहे थे ना नेटवर्क, नेटवर्क बड़ा होगा, टीम बड़ी होगी तो अपने आप बिजनेस बड़ा होगा, स्ट्रक्चर सॉलिड होगा। मैं सुनता था स्ट्रक्चर, तो मैंने स्ट्रक्चर पे खूब काम किया, और आप सभी जानते हैं कि स्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो इनकम बढ़िया आएगी। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर किसी के पास कोई है ही नहीं, फिर भी स्ट्रक्चर कैसे, वही भूख ने बोला, भूख अगर है तो सब हो सकता है। शाम होने के बाद जब सोने जाते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा जो सपना है उसके बराबर हमने आज एफर्ट डाला? प्लैटिनम जाना तो चाह रहे हैं ना। एक चीज और दोस्तों जो मुझे बहुत काम किया है, 3 शब्द मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बोलूंगा कुछ पे फोकस करिएगा, और सारी आपकी अपलाइन बताते हूं क्योंकि आपकी अपलाइन बहुत प्यारी अपलाइन, बहुत ही प्यारी अपलाइन, बहुत लोगों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं आपके सारे अपलाइन, बहुत अच्छे अपलाइन, बहुत ही अच्छी अपलाइन। मैं क्या पाना चाहते हैं, सबसे बड़ा ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो माइंडसेट की बात करी सर ने अभी ना, माइंडसेट की बात, कमाल का क्लैरिटी अगर नहीं है गोल का कि पाना क्या चाहते हैं, फिर तो सब इधर उधर है। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्या क्या पाना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए एकदम, बार बार लिखिए, सामने रखिए। लोगों को लगता है श्याम जी हर मीटिंग में यही कहा जाता है, आप भी यही कह रहे हो, तो मैं यही बताऊंगा भाई साहब अगर यही कायदे से कर ले लोग ना तो सारा काम हो जाए। डायमंड बनने के बाद जब मैं पहली बार एडीसी गया तो वहां सारे लोगों ने घेर लिया मुझे, अरे श्याम जी ये बताइए, अरे बताइए बताइए क्या कैसे किया आपने, क्या कमाल हो गया। तो मैंने बोला, मुझे लगा क्या बोलूं, इतने प्यार से सब लोग पूछ रहे हैं तो क्या बताऊं, एक ही लाइन में बोला था जो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे। मैं बोला था दोस्तों, और सब बड़े बड़े लोग थे लीडर सभी, मैंने कहा दोस्तों आप भी वही जानते हैं मैं भी वही जानता हूं, आप जो जानते हैं वही मैं भी जानता हूं, बस मैं जो जानता था वो कर गया इसलिए डायमंड हो गया। कौन नहीं जानता कि सपने लिखे होने चाहिए, कौन नहीं जानता क्लियर होने चाहिए, लेकिन दोस्तों करने पे होगा ना। क्या आपने ये सपना लिख लिया है, बार बार उसे सामने रखते हैं? एक पेज पे लिखिए आपको क्या चाहिए, एक पेज पे क्लियर कट लिखिए आपको क्या चाहिए। अगला पेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बड़ा टफ पेज है दूसरा वाला, क्यों चाहिए। प्लैटिनम तो सब जाना चाहते हैं, फाउंडर प्लैटिनम सब जाना चाहते हैं, लेकिन जिसका क्यों महत्वपूर्ण, दूसरा पेज क्यों जाना चाहते हैं। मैं प्लैटिनम इसलिए गया था कि मेरा घर गिरवी था, चीजें बड़ी इमोशनल कर देती मुझे, मैं जो पहले के टाइम में चला जाता हूं, घर मेरा गिरवी था और बच्चों की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मैं तड़प रहा था, अगर छत भी नहीं दे पा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं, अगर कुछ हो गया तो। 10 महीने लगातार, केवल 2 जीवन में 2 महीने केवल, जब मैं 10,000 किया था तो 2 महीने केवल नहीं हुआ था, कुछ चैलेंज आ गया होगा। 10 महीने वाला प्लान उस टाइम में 2011 में मैंने 10 लाख रुपए बनाया था, घर गिरवी था, उस कर्ज को, घर को छुड़ाना था। इसलिए अब आपको सवाल पूछना है कि आप प्लैटिनम क्यों जाएंगे, आप एमरल्ड क्यों जाएंगे, आप सफायर क्यों जाएंगे, आप फाउंडर प्लैटिनम क्यों जाएंगे, आप डायमंड क्यों जाएंगे। ये दूसरा पेज बहुत महत्वपूर्ण है। आज मेरी इस टॉक से, आज आपने बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज भी सुने, अगर मेरी टॉक से कुछ इनटेक आप लेना चाहते तो 3 पेज बहुत महत्वपूर्ण। पहला, क्या, क्यों, क्या पाना चाहते हैं, लाइफ में मिसिंग क्या है, आखिर क्या वो मिसिंग है, कहां कमी। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता हमारी जिंदगी में क्या, लोग खुशियां तो चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है 95% लोगों को पता ही नहीं खुशी पाने के लिए चाहिए क्या क्या। पैसा मिल जाए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा,
पैसा मिलने से अगर खुश हो जाते लोग तो पैसे वाले तो बड़े खुश होते, लेकिन तरह तरह की कहानी आप सुनते हो, मैं नहीं बोलूंगा नेगेटिव टॉक यहाँ पे, लोग खुद ही अपने आप को क्या क्या चाहिए, तो पहला पेज चाहिए क्या, दूसरा क्यों चाहिए, ये दूसरा वाला पेज बहुत टफ है, लिखिएगा जरूर, और तीसरा पेज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कब चाहिए। तो कभी कभी लोग मिलते ना, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, पूछता हूं अरे भाई साहब क्या अच्छी जिंदगी, अच्छी जिंदगी डेफिनेशन आपकी क्या, अच्छा मकान चाहिए, मुकेश अंबानी वाला मकान चाहिए, कुछ तो बोलिए। एक आदमी प्रेयर करता था मुझे गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, भगवान की कृपा हुई गाड़ी आ गई, सुबह उठा तो देखा बैलगाड़ी खड़ी है घर के सामने। अभी जब नेचर को कंफ्यूज करेंगे तो नेचर को क्या पता है क्या चाहिए, क्लियर कट होना, तीन पेज, क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। और मेरा विश्वास है फ्रेंड्स, अगर इस तीन पेज का जवाब कोई भी लिख के दे देना, कभी उसे आलस नहीं आएगा, कभी उसके पास ये नहीं होगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग नहीं हैं, कोई सुनता नहीं। मैं कहता हूं अगर कोई कहता सुनता नहीं तो कहां से 1000 लोग सुन रहे हैं, ये तो सर की कोर टीम है, मुझे लगता है कुछ प्रोस्पेक्ट कोर्ट है, कितने हजार, तो भाई कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर का, ये तो एक मीटिंग हो रही, हो सकता कितनी मीटिंग हो रही होगी इंडिया के अंदर सर के ऑर्गेनाइजेशन में, ये लोग आते कहां से हैं। भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है गोपिकाओं ने नचाया, भगवान खाते नहीं, कौन कहता है सबरी ने खिलाया, लेकिन आपको पता है सबरी ने क्यों खिलाया था, बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है, सबरी रोज झाड़ू लगाती थी उस रास्ते पे, रोज हमारी करेंसी होती ना, हम दुकानदार के पास जाते हैं और नोट दे देते हैं तो हमें सामान दे देता है, एक ऐसी करेंसी है उसका नाम है फेथ, फेथ। अगर आपके पास फेथ वाली करेंसी है ना, जो सबरी के पास था, ध्यान रखिएगा, कभी कभी चार दिन काम किया फेथ डगमगा जाता, अरे अरे चार दिन तो किया मैंने, एक प्रिंसिपल थी तो बोले श्याम जी काम नहीं करता बिजनेस, आप लोग लंबे लंबे डायलॉग बोलते हैं, कुछ होता नहीं इसमें। मैंने कहा मैम कितने दिन बाद, कितने साल की पढ़ाई करने के बाद आप प्रिंसिपल बनी, बोली 22 साल। मैंने कहा मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं, बोले करिए। मैंने कहा 22 साल पढ़ने के बाद आप प्रिंसिपल बनी हैं, पहले टीचर बनी होंगी आज प्रिंसिपल हैं, ठीक है, क्या 22 घंटे इस बिजनेस को आपने देखा, 22 घंटे? बोले ही नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहां 22 साल और सैलरी पूछा क्या, मतलब कुछ तो कॉमन सेंस चाहिए। धरती का सबसे बढ़िया बिजनेस जिसने प्रूव कर दिया है धरती का सबसे बढ़िया बिजनेस इस चैलेंजिंग टाइम में, बहुत सारे लोग रंग बना के आते हैं मैं भी ऐसे हूं, लेकिन एमवे बिजनेस ने प्रूव कर दिया, 12वें तले से सेम पेंट में, एक शीशे को सेम पेंट करिए और स्टील को भी सेम पेंट से और नीचे डालिए तब पता चलता है कौन शीशा है कौन स्टील है। एमवे ने प्रूव कर दिया इस चैलेंजिंग टाइम में कि दुनिया का बेस्ट बिजनेस। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा ग्रैंडसन है 8 महीने के, लड़का खिलाने का मुझे लाखों रुपए मिलता महीने का, और क्या चाहिए, ये है एमवे बिजनेस। लड़का अपना ग्रैंडसन में खिलाता हूं और पैसे आते क्या। अगर कोई कहता है कि अभी जिस तरह प्लान, इतनी बढ़िया प्लान उन्होंने बताया अभी शिवाकांत जी और ज्योत्सना जी ने, इतनी बढ़िया होस्टिंग पारुल जी की, लेकिन अब 45-25 मिनट में दुनिया का बेस्ट बिजनेस कैसे बताया जा सकता है। सर ने बोला ना कि आप उनको मिलिए, 2 दिन के अंदर जरूर मिलिए, लेकिन तब मिलेंगे जब आपको लाइक कुछ मिसिंग है। मैं इतना विश्वास के साथ बता सकता हूं फ्रेंड्स, आपको जो कुछ भी चाहिए सब ये बिजनेस दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर श्याम उपाध्याय को दे दिया सारी समस्याओं के बाद तो आपको क्यों नहीं देगा। भगवान क्या पक्षपात करते हैं क्या? अगर भगवान पक्षपात करते तो भगवान ही नहीं होते। भगवान सब देखते रहते काम क्या कर रहे हैं हम, काम क्या कर? मैंने बदलाव किया दोस्तों, कुछ चीजें मैंने बदला तब मैं डायमंड गया, तब मैं प्लैटिनम, सारी चीजें बदलाव किया। चेंज बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बड़ा ईगो था, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, टॉपर हूं, बिजनेस की ट्रेनिंग करने मेरे पास लोग आते थे जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था। ईगो दुनिया भर का था, उसको मैंने जीरो किया। किस बात का ईगो? इसके बाद मुझे लगता था कि मुझे कौन बिजनेस सिखाएगा, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस का बेताज बादशाह हूं, मुझे कौन सिखाएगा। सीखना बंद कर दिया था, लेकिन जब सीखने लगा तो चीजें बदलना शुरू हो गई दोस्तों।
और सबमिशन, मुझे लगता था मैं सबमिशन में हूं अपलाइन के, नाटक करता था, नाटक सबमिशन करते हैं। एक बात बता दूं, अगर कायदे से कोई अपलाइन के सबमिशन में रहता है, ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा छोटा वाला बेटा एक दिन बोल रहा था, पापा आपको देख करके ऐसा लगता है कि अगर कोई अपलाइन की सबमिशन में सही में रहे तो डायमंड जा सकता है। मैंने कहा हां बेटा, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कुछ आता भी नहीं, लेकिन 100% सबमिशन। मेरे अपलाइन एमरल्ड गोइंग डायमंड हैं, लेकिन आज भी बिना पूछे मैं एक काम नहीं करता हूं। आप जिस मंदिर में माथा टेकते हैं, सबमिशन का ही तो रिजल्ट है। क्या आप सबमिट, नाटक करता था, नहीं होता था, जब राइट सबमिशन में आ गया तो कमाल हो गया दोस्तों। काम करने के लिए कहता था, करता नहीं था, जब करने लगा और कहने लगा तो कमाल हो गया। चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। सवाल करता था लोगों से, अपने आप से सवाल नहीं करता था। एक बात बताऊं दोस्तों, अगर राइट क्वेश्चन अपने आप से करना शुरू कर देना, राइट क्वेश्चन, क्या मैं एक सबसे बढ़िया वाली अपलाइन की अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें मेरा भी नाम होगा? सबसे बढ़िया अगर डाउनलाइन की लिस्ट बनेगी उसमें मेरा भी नाम होगा? मैं हमेशा इस बात के लिए अपने आप को बोलता था कि अगर मेरे अपलाइन अपने डाउनलाइन की लिस्ट बनाए टॉप 10 की, तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, मेरा पहला नाम होगा, पहला नाम होगा। मैं बहुत बाद में उनके बिजनेस में आया हूं, लेकिन पहला नाम है सबमिशन के तौर पे। अभी मैं गुजरात गया हुआ था, डायमंड एक महीने बचा था, जब भी मेरे फोटो लोग खींचते थे, मतलब मैं कुछ भी नहीं, ये मेरे सर हैं। और सच बात है दोस्तों, जब मुझे अपने पे भरोसा नहीं था तो उन्होंने मेरे पे भरोसा किया। मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं बिना उनके। मिस्टर बीडी पांडे और संगीता पांडे के अगर वो नहीं होते तो मैं मतलब ही नहीं था, आज कहां होता, कैसे होता। लोग झूठ बोलते हैं कि सबमिशन में, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है इसका मतलब आप सबमिशन में, अगर बिजनेस ग्रो कर नहीं रहा सबमिशन पार्ट को चेक करिए, एक्शन पार्ट को चेक करना चाहिए। ये मैं करता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, आप तो करते ही करते हैं। सवाल, सही सवाल, अपने आप से सही सवाल करना। 365 पेज मिले हैं अभी, 16 दिन पहले भगवान ने हमें 365 पेज दिए हैं, उस पर हमें एक बुक लिखनी है। 16 पेज लिखे जा चुके हैं, 17वां पेज आज लिखना है। क्या उस बुक पे हम वो लिख रहे हैं? और एक बार लिख दिया तो दोबारा उसे मिटा के लिखा नहीं जा सकता। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार बोस सर ब्रिट ऑफिस में मुझे मिले और सर के पास कुछ था, और सर निकलने लगे और मल्टी लेवल पार्किंग में सर की पार्क थी कार, सर को नहीं याद होगा, लेकिन सर मेरे सामने हाथ में लेके कुछ उतरे, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा सर मैं चलता हूं, सर के साथ साथ पार्किंग में गया, और उस दौरान सर ने जो मुझे सिखा दिया माइंडसेट का पार्ट, चलते चलते उसी लालच में तो मैं गया भी था कि सर के साथ इतना टाइम बिता लूंगा तो कुछ सीख जाऊंगा मैं। सर ने माइंडसेट का पार्ट पढ़ाया मुझे, इतने प्यार से बताया, अभी भी एक एक मिनट मुझे सब याद है। अब सवाल यह है, टीचबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कितनी है हमारे अंदर? हम चाहते तो हैं रिजल्ट ना, अकाउंटेबल हैं हम अपने सपनों के प्रति? अकाउंटेबल हैं? अगर अकाउंटेबल हैं तो क्या सीडी रोज सुनते हैं, बुक रोज पढ़ते हैं, अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहते हैं? अपलाइन के कम्युनिकेशन में लोग सोचते हैं कि एसेट का रेट पूछ लिया, फ्रूट एंड वेजी वास का रेट पूछ लिया तो कम्युनिकेशन में है, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते, सॉरी, कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। आज सीखने के लिए अपलाइन को क्या फोन किया, आज के कम्युनिकेशन में आपने क्या अपलाइन से सीखा, ये है कम्युनिकेशन। अगर वाकई आप अकाउंटेबल हैं अपने सपनों के प्रति, सीडी पैक है आपके पास, क्या ट्रू लीडरशिप अपने अंदर उन सीख सीख के सब चीजें ला रहे हैं? अगर मेरे से कोई पूछे कि श्याम जी 9 core step 4 basics, नो डाउट, इसके 4 basic 9 core step के अलावा यही तो हमारा सिलेबस है, लेकिन इसमें अगर मेरे से कोई पूछे एक काम क्या, तो मैं बोलूंगा अपलाइन कम्युनिकेशन, ग्रोइंग अपलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अपलाइन है उनके कम्युनिकेशन में रहना, एक मेंटर चुनना, पूरी जिंदगी उनको सबमिट कर देना और जो कह दें वो कर लेना। मेरे अपलाइन ने बोला, जब मैं प्लैटिनम था, फाउंडर प्लैटिनम था, तो मुझे कार बहुत पसंद थी, कि मैं स्विफ्ट डिजायर मुझे पसंद थी, सर बोलते थे नहीं 6 लाख के ऊपर कार ले नहीं सकते आप।
और वो बोलते थे फोर्ड फिगो आती थी 6 लाख में, उस समय में से किसी कार को मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूं सारी, लेकिन मैं जब फोर्ड फिगो में बैठता था तो मुझे उसकी ऊंचाई पसंद नहीं आती थी। बार बार उन्होंने 6 लाख की लिमिट दे दी थी। अपलाइन सबमिशन पे बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे पास अब कुछ ही मिनट और बचे हैं। अपलाइन सबमिशन तो बोलते 6 लाख के ऊपर नहीं ले सकते, तो मैंने कहा सर अब, फिर हमने 2.5 लाख की सेकंड हैंड की कार खरीदी। फाइनेंस मैनेजमेंट अपलाइन के गाइडलाइन में होना चाहिए, इसीलिए मैंने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए एक साल में खर्च किए। अगर फाइनेंस मैनेजमेंट सही नहीं होता तो ऐसा नहीं कर पाता मैं। मैंने 1.5 लाख कैश में खरीदा, 2.5 लाख में कार। क्यों? क्योंकि अपलाइन की बात हम काटेंगे कैसे? उन्होंने 6 लाख बोला, मैंने कहा सर तब तो कुछ भी ले लें। 18,000 किलोमीटर एक कार थी और पता चला मैंने उठा लिया कैश में, और अभी भी उस कार को अगर बेचूंगा तो 1.5 लाख 1.75 लाख मिल जाएगा। अगर नई कार खरीदा होता तो अपलाइन सबमिशन। मेरा कहने का मतलब, मुझे मोबाइल लेना था, सर ने कहा कि अभी आप डायमंड जब क्वालिफिकेशन में थे तो बोले मोबाइल तो खरीद सकते हैं आप, लेकिन यूज कर सकते हैं आप डायमंड बनने के बाद। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सारी चीजें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे बिजनेस टिपिकल हम बनाते हैं। मेरे से अगर कोई पूछे कि श्याम उपाध्याय बिजनेस एमबीए बिजनेस कठिन है, सरल है, आसान है, इस तीनों पे अगर टिक लगाना है तो किस पे टिक लगाएंगे? तो मैं बोलूंगा एमबीए बिजनेस कठिन नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन 100% सच है, सरल है। टिपिकल तो हम बनाते हैं, टिपिकल तो हम बनाते। कौन सा तीर मारना मुझे बताइए आप, टिपिकल तो हम बनाते। प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। 500 पीवी अगर आप वाकई प्रोडक्ट यूजर हैं, 500 पीवी 300 पीवी खिलवाड़ है होना, सबके पास इतने कॉन्टैक्ट है, किसको आप मुझे बताइए। किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर किसी को जल्दी अमीर होना है तो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट को देना शुरू कर दे, जल्दी अमीर बन जाएगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इस समय, इससे ज्यादा जरूरत किस प्रोडक्ट की होगी बताइए मुझे। इंडिया के अकेली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ऑफिस खुला था, चैलेंज, जब कर्फ्यू, आदमी से भी कहीं निकल नहीं सकता था, पास दिखा के क्या क्या होता। अकेला ऑफिस था एमवे का जो खुला था, जो सारी कंपनी ने 30 करोड़ रुपए डिलीवरी सिस्टम में डाला। किस तरह कंपनी काम करती, कमाल का, सच में जो हम लोगों को प्राउड हुआ है, जो फेथ बढ़ा है, कमाल का बिजनेस। दोस्तों हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें एमवे बिजनेस मिला है, और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को सुन रहे हैं वो ब्लेस्ड हैं कि दुनिया का बेस्ट बिजनेस उनको मिल रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वो सरल सरल सारे काम करते हैं? क्या टीम बिल्डिंग के लिए सारे काम कर रहे हैं हम? टीम बिल्डिंग अगर 10 नंबर पे रोज कॉल नहीं कर रहे हैं, अभी सर बोल रहे थे ना नेटवर्क बड़ा होगा। अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक बकरी उठानी हो तो शायद आप अकेले उठा सकते हैं, लेकिन अगर एक भैंस उठानी हो तो कई लोगों को जुटाना पड़ेगा, अगर एक हाथी उठानी हो तो जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी टीम, तभी तो कर पाएंगे। तो बड़ी, जितना बड़ी टीम उतनी बड़ा बिजनेस। तो टीम बड़ी करने के लिए हमें टीम बिल्डिंग, और उसके लिए बहुत जरूरी हमें अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए अपनी टीम को। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो पीवी करता है उसको प्यार करेंगे, बाकी लोगों को नहीं। अनकंडीशनल माँ की तरह प्यार होना चाहिए। पिता शायद कंडीशनल प्यार करता है, लेकिन माँ कभी नहीं पूछती कि बेटा तुम आज क्या कमाए, बेटा क्या खाए, ये माँ पूछती है। मैं और उषा दोस्तों, हमें तो कुछ नहीं आता, हमने अपनी टीम को प्यार किया बच्चों की तरह। हमारे बिजनेस में जो 10,000 पीवी करते हैं, जो 50 पीवी करते हैं, जो 5 पीवी करते हैं, इवन जो 0 करते हैं, उनको भी कल कौन कितना करने लगेगा क्या पता। अनकंडीशनल, तो अपलाइन सबमिशन ऊपर और टीम को प्यार, हो गया कमाल। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को बताना। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट में मिलेगी, मुझे बताइए। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, प्रोडक्ट, ये सब चीजें कहां, ऐसी बात कहां, वो सब यहां पे, वो माइंडसेट की बात, माइंडसेट। दोस्तों कभी कभी वो होता है ना कि मैं एक चीज बोलूंगा कि अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है। मैं अपनी टॉक को क्लोजिंग की तरफ लाऊंगा। अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है, अर्जेंसी। इस समय घड़ी के 12:46 हो रहे हैं, आप मुझे बताइए 12:44 क्या आप खरीद सकते हैं दोबारा? मुकेश अंबानी जी खरीद सकते हैं, एलोन मस्क खरीद सकते हैं, जेफ बेजोस खरीद सकते हैं, बिल गेट्स खरीद सकते हैं, कोई नहीं खरीद सकता। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टाइम। मैं बोलूंगा अगर कुंवारे हैं कोई लोग तो उन्हें जल्दी से इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम एंड अबो जाना चाहिए,
क्यों? क्योंकि शादी करने के बाद जो लाइफ आप इंजॉय करेंगे ऐसा सोच भी नहीं सकते। शादी के पहले सब स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं हनीमून पे, लेकिन जाते कितने लोग हैं आप पूछिएगा अपने परिचितों से, शायद कोई नहीं गया होगा। लेकिन इस बिजनेस को आप प्लैटिनम जाते हैं, फाउंडर प्लैटिनम कंपनी आपको फ्री में घुमाती है, कंवारे अगर हैं। अगर शादी हो गई, किसी के अभी बच्चे नहीं हुए, तो मैं आपको बोलूंगा जल्दी से बड़ी पिन पे जाइए, अर्जेंसी क्रिएट करिए, क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाएंगे उनके साथ जो इंजॉय करोगे आप नहीं कर सकते। आप मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए पता ही नहीं चला, आज अपने ग्रैंड सन को मैं 11 बजे मालिश करता हूं, जब धूप आ जाती है हमारे कमरे मैं मालिश करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि वो फ्रीडम क्या है, क्या लाइफ एंजॉय करने को मिलता है। जिनके बच्चे पैदा हो गए हैं उनको जल्दी से बड़ी पिन पे इसलिए जाना चाहिए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, उनको टाइम देना बहुत मजेदार बात है दोस्तों, बहुत मजा आता है। और जिनकी ये 40 साल के ऊपर है उनके लिए तो बहुत अर्जेंसी है। मुझे हमेशा, मैं स्विमिंग का थोड़ा शौकीन हूं, तो मुझे ये सोच के डर लगता था कि मैं फॉरेन में जाऊं और मेरी टीम इधर से चार लोग इधर से पकड़ के स्विमिंग पैर उतारे, ये मुझे नहीं बर्दाश्त था। डायमंड यंग एज में डायमंड करने का और मजा है दोस्तों, और मजा है। अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत बहुत परमात्मा ने हम लोगों को ब्लेसिंग दिया है, धरती का बेस्ट परमात्मा ने, अगर मैं देखें तो लक ने अपना काम कर दिया है। लक पे एक बात मैं बोल के क्लोज करूंगा, लक कुछ नहीं होता दोस्तों, जो अपनी जिंदगी मैंने देखा है, आप क्या बोलते हैं वो लक बनाता है, आप क्या सोचते हैं वो लक बनाता है, आप काम क्या करते हैं वो लक बनाता है। क्यों? लॉजिकली मैंने सोचा कि क्या अपने बेटे की नसीब आप खराब लिखेंगे? कभी नहीं लिख सकते आप। आप दुनिया की सारी नियामतें उसके नाम लिखना चाहेंगे, तो क्या परमपिता हमारे लिए कुछ गड़बड़ लिखना चाहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, वही हमारी नसीब बना। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, कॉलर टाइट करते हैं, नसीब ने नहीं चाहा, नसीब ने। अगर श्याम उपाध्याय 300 किलोमीटर दूर से गांव का एक किसान का बेटा आके लखनऊ के अंदर आप सबके एसोसिएशन में आके अगर वो डायमंड जा सकता है और ऐसी लाइफ एंजॉय कर सकता है, फिर क्या बचा दोस्तों? और एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, डायमंड क्या होता है वो डायमंड जाने पे ही पता चलेगा, वो डायमंड ही बता सकता है, कोई बता होता नहीं सकता। डायमंड कोशिश करेंगे लेकिन क्या बताएंगे? आप मेरी कार देख सकते हैं, आप मेरा मकान देख सकते हैं, आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं, आप मेरी लाइफ स्टाइल देख सकते हैं। इस पे एक लाइन में बता दूं, हवाई जहाज देखा भी नहीं था, अभी कोरोना के पहले 5 दिन हफ्ते में 5 दिन एयरपोर्ट पे, तो मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, फिर उड़ीसा जा रहे हैं, 5 दिन एयरपोर्ट पे देखा भी नहीं था। स्कूटर इंडिया जब जाता था तो सोचा भगवान एक हवाई जहाज रुक जाए, मैं उसको थोड़ा देख तो लूं दूर से, बैठे बैठे फ्लाइट बिजनेस क्लास में ट्रेवल, क्या चाहिए? सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ, सब कुछ ये बिजनेस दे सकता है, जो कुछ आप चाहोगे। लेकिन वो क्लियर करना पड़ेगा आप चाहोगे क्या, जो चाहोगे। बहुत सारी चीजों से आपने शायद कंप्रोमाइज किया होगा, लेकिन ये बिजनेस आपको उस कंप्रोमाइज से चॉइस की जिंदगी देने के लिए है। और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में है, इसीलिए आज इस मीटिंग में आप बैठे हैं, विश्वास मानिए फ्रेंड्स, इसीलिए इस मीटिंग बैठे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने शायद बुलाया कई लोगों को और होगा, वो नहीं बैठे हैं किसी कारण से, आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं इतने बड़े बड़े लीडर्स का मैसेज, मेरी कुछ बातें आप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए परमात्मा ने वो डिजाइन किया है। हाँ, कुछ टाइम लग सकता है, कुछ लोगों को टाइम लग रहा होगा। तो कोई अगर गिफ्ट की दुकान पे गया, बोले पेन दे दो, गिफ्ट देनी है, पेन रैप किया गिफ्ट वाले लाल वाले चमकीले कागज में दे दिया, और किसी ने कहा कि मुझे कृष्ण भगवान की उसके साथ मुझे दीजिए, वो बांसुरी बजाते हुए उस तरीके, तो गिफ्ट पैक होने में टाइम तो लगेगा। अगर किसी को टाइम लग रहा है किसी कारण से, बट वो एक्शन अपना देखना पड़ेगा, अगर टाइम लग रहा है इट मींस पैकिंग हो रही है, वो करना पड़ेगा, वो ध्यान देना पड़ेगा, पैकिंग चल रही, काम करते रहेंगे, काउंटर छोड़ के जाना नहीं है। अगर काउंटर छोड़ के चले जाएंगे तब दुकानदार क्या करेगा? काउंटर पे खड़े रहना है, काउंटर पे रहेंगे तो दुकानदार गिफ्ट पैक करके आपको देने वाला है, और वो है दोस्तों, इसीलिए इस मीटिंग में आप हैं, समझ रहे हैं। तो मैं आप सबको सच में, मुझे तो मजा आ गया, और मैं सर को बोलूंगा कि मुझे चांस मिला आप सबसे मिलने का, बस 2 मिनट में आपको बोलूंगा, 1 मिनट जल्दी से फिनिश करता हूं। आप अपनी आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 2017 से लेकर 2018, 19 और 20 में आप जरा सोचिए किन चीजों के लिए आपको समझौता करना पड़ा। कब आपने सोचा कि मैं ओला से जाऊं लेकिन आपको शायद ऑटो लेना पड़ा। बच्चों ने क्या चीज आपसे मांगी और जिसके लिए आप नहीं दे पाए।
पिछले 3 सालों में, ले जाइए अपने दिमाग को, सोचिए कहां आप समझौता कि स्टे तो करना चाह रहे थे 7 स्टार होटल में लेकिन रुकना पड़ा एक लाज या छोटे होटल में, कहां कौन सी ऐसी चीज रह गई, बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे थे बेस्ट स्कूल में, सब पेरेंट्स चाहते हैं, फिर क्यों, क्या पैसे के नाते, साड़ी तो खरीदना चाह रहे थे, सूट तो खरीदना चाह रहे थे पत्नी के लिए लेकिन पैसे के नाते नहीं खरीद पाए, मैरिज एनिवर्सरी पे चाह रहे थे कि उनके साथ होटल ताज में जाके डिनर लें बच्चों के साथ, नहीं हो पाया। बहुत सारी चीजों के लिए समझौता करना चाहिए, कुछ रिश्तेदारों को मदद भी करना चाहिए, कोरोना के चैलेंजिंग टाइम में चाहे कि हम भी 10-20 लाख दान दें, लोगों को सपोर्ट करें, नहीं कर पाए। पेरेंट्स की सेवा करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। उनको 2500 की वो 1500 की टावल भी अच्छी नहीं दे पाए एक मम्मी को एक पापा को, कि जब जब वो बदन पोसते तब तब याद करते कि मेरे बेटे ने खरीद के लिया। किन किन चीजों के लिए समझौता करना पड़ा 3 सालों में, पिछले 3 सालों में दोस्तों, और दौड़ाइए दिमाग को, कौन सी वो चीज थी 3 सालों में जिसके लिए आपको समझौता करना पड़ा। अब आंखें खोल लीजिए, और आंखें खोलिएगा नहीं इस सेशन के बाद, उसे लिख लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, एक डायमंड और एक डायमंड के सामने ये बोल रहा है, अगले 3 साल में अगर आपने वो सारे 9 Core Step 4 Basics फॉलो किए तो कभी भी आपको जीवन में समझौता नहीं करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चों को नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी नहीं करना पड़ेगा। बस काम करना पड़ेगा, बेस्ट आप करेंगे रेस्ट भगवान कर देते हैं। और इतनी प्यारी अपलाइन टीम मिली है आपको, इतनी प्यारी अपलाइन टीम मिली है, अभय सर हैं, डॉक्टर सैलेन सर हैं, डॉक्टर मनीष सर, कितने प्यारे प्यारे लोग, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, पहले ही बोला था, बोस सर की क्या बात करें दोस्तों, कितना कुछ लोगों की जिंदगी बदला उन्होंने, कितने लोगों की जिंदगी, उनके फोटोग्राफ दिखा दिखा के हम लोगों ने, कितना एडीसी पे मिला मिला के कितना कुछ सर ने किया। आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, आपका जो मतलब ब्रांड नेम है ना आपका, बहुत जबरदस्त, हम सभी के लिए भगवान ने सब बहुत अच्छा बनाया सभी के लिए। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की, 17 तारीख में हैं हम लोग अभी, आज संडे है, खूब प्लान दिखाएंगे, खूब कॉलिंग करेंगे, मैं कॉलिंग पे और प्लान दिखाने पे बहुत जोर देता हूं, और खूब मजा आ रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और ज्यादा इंजॉय करेंगे आपके साथ फॉरेन ट्रिप्स में। फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा थैंक्स सर को मैं बोलूंगा कि आप सबसे मिलने का मौका मिला, मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, ओवर टू होस्ट।